सब्सक्राइब कीजिए विंग्स टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को टेक से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों विंग्स टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी के मंथली गैजेट सीरीज के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों इस सीरीज में आपको बताऊंगा 5 ऐसे गैजेट्स के बारे में जो आपके काफी ज्यादा यूज में आ सकते हैं और हर एक गैजेट आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। मैंने बहुत ध्यान से इनको चूज किया है ताकि इनमें आपको अच्छी क्वालिटी मिले और साथ में अच्छी फंक्शनिंग में मिले। दोस्तों हर एक गैजेट एक यूनिक पार्ट प्ले करते हैं और मैं आशा करता हूं आपको जरूर ये पसंद आएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा, सबसे पहले आप लेटेस्ट वीडियोस को देख पाए। दोस्तों इसके साथ ही आप मुझे फेसबुक पे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, उसके साथ मेरी वेबसाइट पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं कई सारे टेक अपडेट्स डालता रहता हूँ, आप वहां जाके भी टेक अपडेट्स पढ़ सकते हैं। दोस्तों सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से आके मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों ज्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुनीत शर्मा और आप देख रहे हैं विंग्स टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी गैजेट्स के बारे में बताया उन सबको बाय करने के लिए पर्टिकुलर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें क्लिक करके आप मेरी वेबसाइट से इन सारे प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे जो लिंक दी हुई है वो अमेज़न की लिंक है, तो एक जेन्युइन लिंक है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन सबको बाय करने में और आप इन सबको सेफली बाय कर सकते हैं। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको कुछ ऑसम गैजेट्स के बारे में बताने वाले हैं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें जितने भी हम आपको गैजेट दिखाने वाले हैं वो अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त गैजेट्स है। इन सब में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो को देखने में। हर गैजेट अपने आप में यूनिक है और अपने साथ कई सारे फीचर्स लाता है। इनमें से कई गैजेट ऐसे हैं जो आपके डेली लाइफ को इजी टू एक्सेस कर देंगे और साथ में कई सारे आपको फीचर्स इन गैजेट्स में प्रोवाइड होंगे। दोस्तों जितने भी गैजेट्स हमने इसमें चूज़ किए हैं उनको काफ़ी अच्छे से फाइंड करके किया है कि इसमें आपको अच्छी क्वालिटी और बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें जितने भी गैजेट्स के बारे में बताया गया है उन सबको आप इजीली बाय कर सकते हैं अमेज़न से, उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इजीली वहाँ पर क्लिक करके इसको अमेज़न से बाय कर सकते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रोडक्ट से जो है बोट का बेस हेड ईयरफोन्स, जिसमें आपको काफ़ी बढ़िया फीचर्स मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी मिल जाती है। इसमें जो आपको माइक्रोफोन है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है और दोस्तों जो इसका डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और कॉम्पैक्ट है। दोस्तों जो इसके अंदर 10 mm के जो डायनेमिक ड्राइवर्स लगे हुए हैं और जिसका स्पीकर रेजिस्टेंस है उसके कारण आपको काफ़ी अच्छा साउंड एक्सपीरियंस मिल जाता है और साथ में आप इजीली इसके अंदर दिए गए बटन से अपने ट्रैक्स को प्ले पॉज कर सकते हैं या फिर कॉल्स को डिक्लाइन कर सकते हैं या फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये आपको 6 कलर में मिल जाता है, वाइट, ब्लू, ब्लैक, फ्यूरियस रेड, टैफी पिंक एंड येलो, और साथ में आपको 3 एक्स्ट्रा ईयरबड भी इसमें मिल जाते हैं। उसके साथ दोस्तों ये आपको जस्ट 400 से भी कम रुपीस में मिल जाता है, आप उसको ईजिली अमेज़ॉन से बाय कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं और साथ में आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी इसके अंदर मिल जाती है, तो कोई प्रॉब्लम की बात आपको नहीं है। तो दोस्तों जो हमारा सेकेंड प्रोडक्ट है वो सोनी की तरफ से और जो इसका प्राइस रेंज हम आपको अंत में बताएंगे उसके हिसाब से आपको बिलीव नहीं होगा कि सोनी के हेडफोन्स आपको इतने कम प्राइस में मिल जाते हैं। बेसिकली इसमें आपको काफ़ी अच्छा क्वालिटी मिल जाती है साउंड्स की क्योंकि इसमें आपको न्यूडियम मैग्नेट ड्राइवर्स मिल जाते हैं जिसके कारण जो इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी हद तक इन्हेंस हो जाती है। इसमें आप इजीली इसको फोल्ड कर सकते हैं तो इसको रखना भी काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाता है। दोस्तों उसके साथ में आपको काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल इसमें जो कुशन मिल जाते हैं जो ईयर कप्स है आपके, तो ईज़िली आप इसको पहन सकते हैं लंबे टाइम के लिए। दोस्तों उसके अलावा इसकी जो आपको बेस मिल जाती है और जो साउंड बैलेंस मिल जाता है काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और साथ में आप इसको फोल्ड करके कहीं भी आराम से रख सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है जो अपने आप में काफ़ी बड़ी वारंटी है और जो इसकी रेट है दोस्तों वो है एट बस 600 rupees, जो सोनी के हिसाब से बहुत ही कम रेट है, तो आपको इजीली खरीद सकते हैं। दोस्तों जो हम मेनली प्रिंटर यूज करते हैं उनको हम पॉकेट्स में कैरी नहीं कर सकते, पर जो HP का पॉकेट प्रिंटर है ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। दोस्तों इस प्रिंटर को सेटअप करना भी बड़ा इजी है और एक बार जब आप इसको सेटअप कर लें तो उसके बाद आपको इजीली कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसको सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको इसे ओपन करना है
जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इसके साथ आपको एक जिंक की सीट मिली होगी इसके बॉक्स में। आपको वो जिंक की सीट का पैकेट ओपन करना है। ये सीट मिली वही सीट होगी जिस पे आपकी फोटोज प्रिंट हो जाएगी। अब इस सीट को आपको ओपन करने के बाद प्रिंटर के अंदर सेट करना है। एक बार जब आप इनको प्रिंटर के अंदर सेट कर ले तो आपको ईजिली प्रिंटर को क्लोज करना है। दोस्तों एक बार जब आप प्रिंटर को क्लोज कर लें उसके बाद आपको HP की वेबसाइट से इनकी पॉकेट प्रिंटर की ऐप डाउनलोड करनी है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसको डाउनलोड करने की लिंक मिल जाएगी। एक बार जब आप इसको डाउनलोड कर लें उसके बाद बारी आती है प्रिंटर को सेटअप करने की। तो जैसे ही ऐप डाउनलोड हो जाए अब आपको एक डेटा केबल के साथ जो आपको प्रिंटर के बॉक्स में मिल जाएगी प्रिंटर को कनेक्ट करना है अपने फ़ोन के साथ। जैसे ही आप उसको फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लें आपको उसका पावर बटन दबाना है और इसे ऑन करना है जब तक इसकी LED ना जल जाए। उसके बाद आपको फ़ोन में जाके ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है इसको। जैसे ही आप इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेंगे उसके बाद जस्ट आपको प्रिंट कर बटन दबाना है HP की पॉकेट ऐप से और थोड़ी देर में आपके सामने आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा बहुत ही क्लियर क्वालिटी में। तो इसके कारण आप कभी भी कहीं भी प्रिंट निकाल सकते हैं और इस प्रोडक्ट को बड़ी ईजिली यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक टच सपोर्टेड लैपटॉप को रखने की इच्छा रखते हैं और अपने पुराने लैपटॉप को चेंज नहीं करना चाहते तो एयरबार आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एयरबार आपके किसी भी नॉर्मल लैपटॉप को ईजिली टच लैपटॉप में चेंज कर देता है। उसके लिए जस्ट आपको एक बार इसको बाय करना है और बाय करने से पहले आपको इसको डायगोनली इसकी स्क्रीन को मेजर करना पड़ेगा और उसके हिसाब से इसका साइज ऑर्डर करना पड़ेगा। एक बार जब आप एयरबार को ख़रीद लें तो उसके पीछे आपको दो चिप लगी मिलेगी मैग्नेटिक, दो स्टिकर्स लगे मिलेंगे मैग्नेटिक टाइप के। आपको जस्ट उसको अपने डिस्प्ले के नीचे वाली साइड पर अटैच करना है। एक बार जब आप उसको डिस्प्ले की नीचे वाली साइड पर उनको चिपका लें उसके बाद उनको एक बार प्रेस करना है जिससे वो मजबूती से चिपक जाएं। उसके बाद ईजिली अपने एयर बार को कभी भी वहाँ पर लगा सकते हैं और उसको हटा सकते हैं। ऐसा करने के कारण आपको अपने लैपटॉप को बंद करने या खोलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्योंकि आप ईजिली एयर बार को डिटैच कर सकते हैं। तो जब भी आप अपने लैपटॉप को बंद करेंगे तो ये चिप्स आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देने वाली है। तो दोस्तों अब इसके नेक्स्ट बात करते हैं कि इसको चालू कैसे करें। आपको अपने PC को चालू करना है और एयर बार को वहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद इसको USB पोर्ट में कनेक्ट करना है। एक बार आप इसको USB पोर्ट में कनेक्ट कर लें उसके बाद आप ईजिली अपने लैपटॉप को टचली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर से कुछ इंफ्रारेड लाइट निकलती है जो आपके लिए इस लैपटॉप को टच में चेंज कर देती है। तो दोस्तों जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट है वो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है कोज्मो, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट जिसको आप ईजिली बाय कर सकते हैं अमेजोन से 20,000 रुपीज़ में। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है। ये काफ़ी प्लेफुल रोबोट है और जिस टाइम आप इसके आसपास नहीं होते तब भी ये खेलता रहता है। दोस्तों आप अपने खाली टाइम में इसके साथ खेल भी सकते हैं और ये अपने मूव के साथ जो उसके साथ हो रहा है उसके हिसाब से ये एक्ट को एक्सप्रेशन भी दिखाता है जिससे ये और भी ज़्यादा अलाइव लगता है। ये अपनी सारी लिमिटेशंस को एनालाइज कर देता है, इसका गिरने या टकराने से ही बचा रहता है क्योंकि इसका आर्टिफिशियल ब्रेन बहुत अच्छे से प्रोग्राम किया गया है। दोस्तों इसके अलावा जब भी आप इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं खेलते हैं तो उस इंट्रैक्शन के हिसाब से अपने चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशन शो करता है जो उसको काफ़ी प्लेफुल रोबोट बना देता है। आपको इजीली इसको अमेजोन से बाय कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे और सबसे पहले आप मेरे लेटेस्ट वीडियोस को देख पाए। और दोस्तों साथ ही मुझे फॉलो कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और साथ ही मेरी वेबसाइट पे, सबकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मेरा नाम है पुनीत शर्मा और आप देखते रहिए विंस टू वर्स टेक्नोलॉजी।